अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और आज नतीजों का दिन और कमोबेश तस्वीर साफ होती हुई कौन बनेगा राष्ट्रपति इसका जवाब अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। बहुमत के बेहद करीब डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुमत वाले जादुई आंकड़े से महज 3 वोट पीछे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खाते में अब तक 267 इलेक्टोरल वोट्स जा चुके हैं। कमला हैरिस के खाते में 216 इलेक्टोरल वोट्स ही अब तक आए हैं। 538 कुल संख्या इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की। और ऐसे में आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप जादुई आंकड़ा जो 570 का है उससे सिर्फ 3 वोटों के फासले पर 267 पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पहुंच चुके हैं। मतलब बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल नजदीक डोनाल्ड ट्रंप की जीत यहां से बिल्कुल पक्की नजर आ रही है। और ऐसे में सबकी निगाहें स्विंग स्टेट्स पर लगी हुई थी, वो स्टेट्स जो रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेट्स मतलब कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप किसी को भी जिताने का मादा रखती है। उन स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया सबसे बड़ी स्विंग स्टेट, ट्रंप जीत गए हैं इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। पेंसिल्वेनिया भी रिपब्लिकन्स के खाते में गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया जीत लिया है। इससे पहले आप जानते हैं नॉर्थ कैरोलिना से लेकर जॉर्जिया तक ये वो स्विंग स्टेट्स जिन पर सबकी नजर टिकी हुई थी, अपना गढ़ तो बचा ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, साथ ही साथ ये स्विंग स्टेट्स जो किसी को भी जिता सकती थी उन स्टेट्स में भी रिपब्लिकन पार्टी का परचम डोनाल्ड ट्रंप लहरा रहे हैं। स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया, काफी देर तक इस स्टेट में, इस राज्य में कमला हैरिस ने बढ़त और करीब दोगुनी की बढ़त बनाई रही, लेकिन आखिरकार अब जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही है और तस्वीर बदल रही है, या यूं कहें कि तस्वीर साफ हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप जीत के बेहद नजदीक नजर आ रहे हैं। आइए जल्दी से मैं आपका परिचय कराती हूं इस बड़ी कवरेज में। आप देख रहे हैं हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है पूर्व राजदूत दीपक वोरा साहब, पल पल का अपडेट और उन्हीं से हम इस बड़ी कवरेज पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान विदेश मामलों के जानकार हैं रविंदर सचदेव जी, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका रविंदर सर। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए, विशाल का ही रुख करेंगे और जानेंगे विशाल से अब तो बहुमत से सिर्फ 3 वोट के फासले पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, निर्णायक जीत की तरफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ चुके हैं। विशाल बिल्कुल रोमाना, अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अब जीत की ओर आगे बढ़ चुके हैं। न सिर्फ जीत की ओर, अगर हम ताजा रुझानों को देखें जो अब तक के आंकड़े दिख रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 309 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जा सकते हैं। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी जीत है डोनाल्ड ट्रंप की वो पेंसिल्वेनिया की मानी जाएगी, क्योंकि ये वो राज्य है जो कि एक स्विंग राज्य कहलाता है और 1992 से 2020 के बीच में सिर्फ एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में उनकी पार्टी ने यह सीट जीती थी। और अब 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इस सीट को जीत लिया है। और इसके साथ ही जो दूसरी स्विंग स्टेट में वो जीतने जा रहे हैं वो विस्कॉन्सिन है, जो कि 10 इलेक्टोरल कॉलेज वोट वाला राज्य है और वहां पर भी लगभग काउंटिंग पूरी होने को है और डोनाल्ड ट्रंप उस राज्य में भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। यानी ऐसा संभव है कि 7 के 7 स्विंग स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाए और डोनाल्ड ट्रंप का आंकड़ा 300 के पार नजर आएगा। बिल्कुल, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप 300 पार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।